हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोंडुचेरी T20 टूर्नामेंट की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर पैंथर्स 11 वर्सेस शार्क्स 11 के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियोज़ मिलेंगे, जैसे कि आज के दिन में यहाँ पर मदीना T20 खेला जाने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ से आपको जमैका T10 के वीडियोस मिलेंगे और भी कई सारी टूर्नामेंट के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना रहेगा, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 2:15 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी CHM ग्राउंड पुडुचेरी में खेला जाएगा। जैसे कि ऐसे बात करूँ पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट न्यूट्रल और बैलेंस है। हालांकि बहुत सारी मैचेस हो गए तो पिच जो है जैसे जैसे मैचेस होती जा रही है वैसे वैसे स्लो होता जा रहा है। बाकी एवरेज यहाँ पर 140 के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम को और पहले बैटिंग करने वाली टीम के आंकड़े लगभग सेम है, लेकिन पिछली चार मैच की बात करो तो चारों के चारों मैच यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने ही जीती हुई है। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पैंथर्स 11 की, तो पैंथर्स 11 ने यहाँ तक 7 मैच खेले, 4 मैच जीते, 2 मैच हारे और 1 मैच उनका हो गया है अबांडोनेट। ओपनिंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो पी सुनील कुमार के साथ यहाँ पर यस अविनाश यादव ने ओपनिंग करवाया। अविनाश यादव इनकन्सिस्टेंट है यहाँ पर, पहली मैच के अंदर 66 किए और इसके बाद इनके 5 मैच के अंदर टोटल मिला के भी इतना कोई खास स्कोर हुआ नहीं है। बाकी यहाँ से लास्ट मैच के अंदर 47 रन करते हुए इन्होंने एक बार फिर से कमबैक किया और ये इनका ऐसा ही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पिछले टूर्नामेंट के अंदर 49 करने के बाद यहाँ पर 5-17 फिर 31 किए, फिर 13 किए, 6 किए, 10 किए, फिर 37 किए, तो इनका ऐसा ही है। 3-4 मैच के अंदर नहीं चलेंगे लेकिन जब चलते हैं तब यहाँ पर तगड़ा मारते हैं, भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर। विकेट कीपिंग सेक्शन से यस अविनाश यादव को आप लोग लेके जा सकते हैं। पी सुनील कुमार के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस प्लेयर रहेंगे, अगर अगली मैच के अंदर भी खेलते हुए नजर आए तो मैं यहाँ पर पी सुनील कुमार को लेके जाऊँगा, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है और इनका T10 टूर्नामेंट अभी जो खेला गया था वहाँ पर भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था। नयन कंगायन की बात करते हो तो इस प्लेयर के ऊपर ज़्यादातर किसी की नज़र नहीं है, लेकिन ये बंदा मतलब छुपा रुस्तम है, 2 बार यहाँ पर 30+ की पारी खेल चुका है, तो रिस्की तौर पर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। मणिकंदन थोड़े से रिस्की रहेंगे यहाँ पर, रिसेंटली इतने अच्छे टच में नहीं है, हालांकि इनके पास काबिलियत है बड़ी परफॉर्मेंस करने की, तो इनको रिस्की तौर पर आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग के लिए आई थिंक थोड़े से रिस्की रहेंगे। पी आकाश वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करेगी, क्योंकि लास्ट मैच की बात करूँ तो वहाँ पर इन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन इसके पहले 31 रन के साथ 1 विकेट, इसके पहले 14 रन के साथ 5 विकेट, इसके पहले यहाँ पर 38 रन, इसके पहले यहाँ पर 10 रन के साथ 1 विकेट, तो बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करेगी, तो हम लोग कम से कम एज अ प्लेयर तो लेके जाएंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो भी कर सकते हैं। जॉर्ज सैमुअल्स को लेके जाने का लगभग मतलब नहीं बनेगा, काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं, हालांकि इसके पहले वाली मैच के अंदर ये टॉप में खेले थे, आई थिंक यहाँ पर ओपनिंग करवाया था, तो यही कुछ बात है कि अगली मैच के अंदर भी बैटिंग ऑर्डर जो इनका ऊपर नीचे हो सकता है। फिर ऐसे बात करते हैं करण कंदन की, तो इनका यहाँ पर पोंडुचेरी T10 की बात करो तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा था, इवन रेगुलर हमारे कप्तान वाइस कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर पहली मैच को अगर छोड़ दे जहाँ पर इन्होंने 2 विकेट निकाली थी, इसके बाद कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो रिस्की तो रहेंगे लेकिन बंदे के पास काबिलियत है, अगर आप लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो तो इनको रिस्की तौर पर अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं। बाकी सीडक गुरविंदर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इनके अलावा ऐसे बात करूँ भरत भूषण शर्मा की, तो एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे, कंसिस्टेंट है पूरी टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से। इनके अलावा ऐसे बात करें अरविंद राज, तो देखो इस प्लेयर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको स्पेशली बताया था, देखो पहली दोनों मैच के अंदर विकेट लेस रहा, लेकिन इनका ऐसा ही है, देखो जब विकेट निकालते हैं तब 3 विकेट निकालते हैं या तो फिर यहाँ पर विकेट लेस रहते हैं, इनका ऐसा ही है, तो भरोसा कर सकते हैं आप लोग इनके ऊपर। अब इन मैचेस वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और चाहो तो आप लोग ऐसे पंकज यादव को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इनका भी यहाँ पर T10 टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा था, मतलब 2 बार इन्होंने 2-2 विकेट निकाली थी। स्टार्टिंग में यहाँ पर ए अरविंद राज के साथ यहाँ पर ए मैथ्यूज, डेथ हाउस में यहाँ पर पी यादव के साथ यहाँ पर बी शर्मा, मतलब भरत भूषण शर्मा डेथ हाउस में गेंदबाजी करवाए थे लास्ट मैच के अंदर। इनके अलावा यहाँ से बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे आपको, तो जल्दी से आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है।
बात करें हम लोग यहाँ पर टीम शार्क्स 11 की, जो कि 7 मैच के लिए 5 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। ओपनिंग में यहाँ पर सिद्धार्थ नायडू और शिवा मुर्गन ने ओपनिंग करवाया। शिवा मुर्गन पहली मैच के अंदर 56 किए, इनका बैटिंग ऑर्डर इसके बाद काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर 34 रन का एक योगदान इन्होंने जरूर दिया था, तो डिफरेंस वैल्यू में ट्राई कर सकते हैं। बाकी सिद्धार्थ नायडू को अगर आप लेना चाहते हैं तो, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन से डिफॉल्ट पिक की बात करूँ तो यश अविनाश यादव रहेंगे। हालांकि ये भी इनकन्सिस्टेंट है, यश अविनाश यादव भी और यहाँ पर ये बंदा भी इनकन्सिस्टेंट है, अपन सिद्धार्थ नायडू। इन्होंने यहाँ पर 72 रन की एक बड़ी पारी खेली, और यहाँ से बात करें यश अविनाश यादव की तो इन्होंने 66 और 47 दो बड़े स्कोर किए। तो चॉइस आपके ऊपर रहेगी, चाहो तो दोनों को लेके जा सकते हैं, फिर दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। आप लोग सेफ जा रहे हो तो यहाँ पर यश अविनाश यादव को ले लेना। बाकी अगर आप लोग कुछ डिफरेंस करना चाहो, कुछ हटके करना चाहो तो ऐसे सिद्धार्थ नायडू को ले सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब भी जब मूड में होते हैं तब यहाँ पर पूरा वन साइडेड मुकाबला करके देते हैं नायडू, तो इनको रिस्की तौर पर ट्राई करोगे। अयुध शर्मा लास्ट मैच के अंदर रन डाउन आए थे, और इनके ओवरऑल आंकड़े जो भी रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि इनको लेके जाना है या नहीं जाना है। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं लोगेश पी, जो कि इनकन्सिस्टेंट है, लास्ट मैच में 50 रन की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन इनको लेके जाना अभी के लिए रिस्की रहेगा। मोहित मिट्टन सीधे मेरे लिए डिफॉल्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है, तो इनको तो एज अ प्लेयर लेके जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर देखो कंसिस्टेंट है बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से, पिछली तीनों मैच के अंदर लगातार दो दो विकेट निकाले, प्लस बैटिंग में तो इनसे मुझे बड़ी एक्सेप्टेशन है, हमेशा रहती है, और ये भाई साहब ने कभी निराश भी नहीं किया। यहाँ पर मोहित मिट्टन ने कभी निराश नहीं किया। पेरियामरा जो राजावेलु टीम के कप्तान हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं, इनको रिस्क के तौर पर ट्राई करोगे, जीएल में ट्राई करोगे ओनली वन। इनके अलावा से साई हरिराम के की बात करते हैं, जो कि 24 और 23 जैसे दो ठीक ठाक स्कोर किए इसी टूर्नामेंट के अंदर, अगर कोई चॉइस नहीं मिली तो आप लोग इनको लेके जा सकते हैं। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं दीपक चौधरी की, इंपोर्टेंस प्लेयर रहेगा यहाँ पर, लास्ट मैच के अंदर विकेट ले चला, लेकिन इसके पहले कंसिस्टेंट है। इनके अलावा से दिवाकर गोपाल हमारे लिए इंपोर्टेंस रहने वाले, इनको लेके जाना है। इनके अलावा से टी अबिस एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है, इनको डेफिनेटली एज अ प्लेयर लेके जाना है, इसमें कोई शक नहीं। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं शिवशंकर की, तो शिवशंकर यहाँ पर पिछली टूर्नामेंट की बात करूँ यहाँ पर कंसिस्टेंट थे, यहाँ पर पौंडुचेरी टी10 के अंदर एक बार इन्होंने 4 विकेट भी निकाली थी, यहाँ पर 2 विकेट निकाली थी, और बाकी ज़्यादातर इन्होंने हर एक मैच के अंदर कम से कम एक आधी विकेट तो निकाली थी, लेकिन यहाँ पर वो 2 मैच खेले जहाँ पर सिर्फ एक ही बार उनको लास्ट मैच के अंदर एक ओवर करवाने का मौका मिला, बाकी कोई खास ऑप्शन कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। सुब्रमण्यम के मतलब सुब्रमण्यम कंदन की बात करते हो, इस प्लेयर को भी बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है, एज अ प्लेयर आपकी टीम के अंदर चाहिए। तो मतलब एक बात तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर शार्क्स 11 जो है इनका बॉलिंग अटैक काफ़ी तगड़ा है, तो इनके सारे बॉलर्स के ऊपर हमें फोकस करना है, और शायद यहाँ पर यहाँ से देखो मोहित मिट्टन तो वर्स करवा ही रहे, लेकिन गेंदबाज की बात करते हो जैसे दीपक चौधरी है, दिवाकर गोपाल है, तिये अबीश है और सुब्रमण्यम कंदन, ये चारों गेंदबाज को हमें लेके जाना है, चारों के चारों कंसिस्टेंट है और चारों को हम लोग अपनी टीम के अंदर लेके जाएंगे। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर सुब्रमण्यम कंदन के साथ यहाँ पर टीए अबीश, डेथ ओवर्स में यहाँ पर डी चौधरी के साथ टी गोपाल डेथ में डालेंगे, और इनके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन से ले सकते हैं, कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर यश अविनाश यादव के साथ जा रहा हूँ, सेफ है इसके लिए, बाकी आप लोग अविनाश यादव की जगह पर यहाँ पर सिद्धार्थ नायडू को ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर भरत भूषण शर्मा, मोहित मिट्टन और पी आकाश हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर देखो हरिराम के और सुनील कुमार दोनों लास्ट मैच के अंदर सब्स्टिट्यूट में खेले थे, तो इसके लिए मैंने नहीं लिया, बाकी अगर लाइनअप में दिखेंगे तो यहाँ से सुनील कुमार को मैं ले सकता हूँ अपनी टीम के अंदर। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर सुब्रमण्यम कंदन, इनके साथ यहाँ पर टी ए अबीश, इनके साथ यहाँ पर एस सिडक गुरविंदर सिंह और यहाँ पर जी थिवागर मतलब गोपाल थिवागर हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी यहाँ पर पी लोगेश हैं, लास्ट मैच के अंदर 50 रन की पारी खेली थी, तो अगर खेलता है तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर ए अरविंद राज के साथ यहाँ पर डी चौधरी और अबिन मैथ्यूज हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी आप लोग करण कंदन को भी ट्राई कर सकते हैं और पी यादव को ट्राई कर सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान रहेंगे हमारे यहाँ से मोहित मिट्टन, वाइस कैप्टन रहेंगे टी ए अबीश। आप लोग इनको रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर टी ए अबीश को कैप्टन करते हुए आप लोग मोहित मिट्टन को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इनके अलावा एक और चॉइस की बात करो तो वो है यहाँ पर भरत भूषण शर्मा, आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे तो फाइनल टीम जो भी रहेगी वो मिलेंगी आपको टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि
क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।